आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। यूपी में चुनावी बिगुल बज चुका है और पहले चरण का मतदान भी हो चुका है, जिसके बाद सभी चरणों के प्रत्याशी जनता का समर्थन पाने के लिए जुट गए हैं। इसी कड़ी में हमारी टीम चुनाव के समीकरण जानने चित्रकूट पहुंची और मऊ की मानिकपुर विधानसभा से अपना दल प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी से खास बातचीत की, जिन्हें जनता का खासा प्यार और समर्थन मिल रहा है। देखिए हमारे संवाददाता से की गई बातचीत। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए लगातार हम उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाकर अपनी चुनावी यात्रा जो है वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार उत्तर प्रदेश का माहौल क्या है, उत्तर प्रदेश का मुखिया कौन बनेगा। और उसी कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं धार्मिक नगरी चित्रकूट में। चित्रकूट वो जगह जो राम के नाम से जुड़ी हुई है, चित्रकूट वो जगह जो रामायण के काल से जुड़ी हुई है, चित्रकूट वो जगह जहां पर लगातार जो राजनीति है वो इस वक्त काफी हाई टेम्परेचर पे है, क्योंकि यहां पर जो जनता है वो अपने मुद्दों पर वोट देने वाली है और जनता ये जानती है कि आखिर बीते 5 साल में या उसके पहले की सरकारों में कितना काम बेहतर हुआ है, कितना विकास बेहतर हुआ है। उसी कड़ी में यहाँ की एक प्रमुख विधानसभा सीट है जो कि है मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट 2017 में बीजेपी के खाते में गई थी, लेकिन इस बार ये सीट अपना दल एस को दी गई है जो कि भाजपा के गठबंधन में है और प्रत्याशी के रूप में अविनाश चंद्र द्विवेदी जी हैं। इस वक्त हम उनके पास हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस विधानसभा सीट का क्या समीकरण है, इस विधानसभा सीट पर लड़ाई कितनी जोरदार है, इस विधानसभा सीट पर समीकरण क्या है और जनता के बीच जब ये जा रहे हैं तो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, किन मुद्दों पर ये बात कर रहे हैं, किन मुद्दों पर ये चर्चा कर रहे हैं और कैसे भरोसा दिला रहे हैं कि अगर इस बार ये जीतते हैं तो किन मुद्दों पर सबसे ज्यादा सबसे पहले काम करेंगे, बेहतर विकास करेंगे। तो आइए इनसे जुड़ते हैं। अविनाश जी, सबसे पहले प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो चुनावी सफर है वो आगरा से शुरू हुआ था, हम आगरा से नोएडा गए थे, उसके बाद फरुखाबाद, कानपुर, कई जगहों पर हम गए थे। हम जब यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर अंदर आते हुए, क्योंकि एक धार्मिक स्थल है और जब यहाँ पर आए तो एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आई, एक ऐसा वातावरण हमारे अंदर आया जिससे ये लगा कि यहाँ पर कुछ तो है, क्योंकि राम के नाम से ये जगह जुड़ी हुई है, राम जी ने सबसे ज्यादा वनवास का समय यहाँ पर बिताया था। आप इस बार यहाँ की एक विधानसभा सीट मऊ मानिकपुर विधानसभा सीट जो है वहां से प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं। सबसे अहम बात यह है कि बीते 5 साल में और उसके पहले जो दूसरी सरकार थी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, उस दौरान यहां पर कितना विकास कार्य हुआ या फिर अब जब आप जनता के बीच जा रहे हैं तो किस तरह से वहां पर चर्चाएं हो रही हैं, लोगों से जब मिल रहे हैं तो कितनी सफलता मिलने की आपको लग रहा है कि इस बार हमें सफलता मिल जाएगी, और वो समस्याएं, वो मूल समस्याएं जिसमें सड़क भी हो गई, बेरोजगारी हो गई, स्वास्थ्य हो गया, इन समस्याओं से कैसे रूबरू होंगे और कैसे विकास करें। मैं क्षेत्र में के दौरे पर जा रहा हूं, तमाम लोगों से मिलता हूं। स्वास्थ्य विभाग की सबसे बड़ी समस्या यहां पाठा क्षेत्र में है, पानी यहां मिल नहीं रहा है, लोग हैंडपंप यहां के बिल्कुल बेकार हो गए हैं, पाइप जो लगा हुआ है उसमें पानी जा रहा है, उसके बाद बंद हो जाता है पानी। मैं सबसे पहले पानी की व्यवस्था करूंगा और लोगों के दवा की व्यवस्था करूंगा। सड़क निर्माण का कार्य मैं बहुत तीव्र गति से अगर मैं जीता तो चालू कराऊंगा, और सामाजिक काम, पब्लिक के काम, गरीबों के काम में सबसे ज्यादा करूंगा। अच्छा, बात करीजिए यहाँ पर शिक्षा की, तो शिक्षा का स्तर कैसा है, किसानों की समस्या सबसे अहम है क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से या फिर आपके जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से इस बात को कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश के अन्य जो प्रदेश जुड़े हुए हैं जहां पर किसान आंदोलन सबसे ज्यादा हुआ था, उत्तर प्रदेश के भी किसानों ने वहां पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और इस बार किसान नाराज है और उसकी पूरी की पूरी जो सफलता है वो विपक्ष को मिलने वाली है इस विधानसभा चुनाव में। क्या ऐसा कुछ है विपक्ष जिस बात को कह रहा है कि किसान नाराज है, क्या किसान नाराज है किसी चीज को लेकर के आप लोगों से? किसान एकदम नहीं नाराज, जो लोग भ्रम फैला रहे हैं अब वो पब्लिक के बीच में जब जाएंगे आप तो आपको खुद ही पता चलेगा कोई किसान नाराज नहीं है। बिल्कुल साफ तौर पर, क्योंकि अभी जब मैं उधर से आ रहा था तो कुछ लोग मुझे रास्ते में मिले थे, मैंने उनसे बात भी करी, चाय की दुकान पर भी मैं रुका था, मैंने उनसे भी चर्चा करी और जानने की कोशिश करी कि क्या समस्या, किसान नाराज है या नहीं नाराज है, तो उन लोग ने कहा कि नाराजगी कोई भी नहीं है, हम अपने नेता को चुनने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो एक तो बात ये हो गई, दूसरी चीज जो रोड की कनेक्टिविटी है, जो सड़कें हैं यहाँ पर गड्ढे की समस्याएं थोड़ी बहुत रही हैं जो बीते सालों में यहाँ पर बेहतर तरीके से उस पर काम नहीं हुआ है, तो क्या उन सड़कों पर बेहतर तरीके से काम करने का भरोसा आप जनता को दिला रहे हैं? शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा का स्तर कैसे बेहतर होगा, क्या इस पर आपने कोई रोड मैप बनाया? शिक्षा का स्तर मैं बेहतर करूंगा,
ऐसा कोई गांव नहीं जहां स्कूल न खुले हों। पूरे गांव में कहीं कहीं आप जंगल में भी जाइए तो स्कूल खुला हुआ है और वहां सब विद्यार्थी जा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं। सड़क के काम में जो गड्ढा मुक्त कराने की मेरी पहली प्राथमिकता होगी और सड़क में बहुत बढ़िया यहाँ की बनवाऊंगा। सड़क वैसे बनी यहाँ बहुत है लेकिन मैं जो उसमें अधूरा कार्य है उसको पूरा करूंगा। अच्छा, एक सवाल और मैं आपसे करना चाह रहा हूँ। लगातार ये कोशिश है विपक्ष की तरफ से कि वो ये कह रहे हैं, क्योंकि अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं, वो लगातार दौरों पर हैं, लगातार अपनी रथ यात्राओं के जरिए वो जनता के बीच जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस बार का जो नतीजा है वो बिल्कुल पलट के हम रख देंगे, 300 पार हमारी जीत होने वाली है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। बातों में कितना दम है, क्या कुछ ऐसा लग रहा है? क्योंकि दूसरी तरफ ये भी देखें कि बसपा भी लगातार कोशिशों में लगी हुई है, बसपा ने कई बार चित्रकूट में अच्छा रिजल्ट भी पाया है। इस बार क्या रणनीति, क्या कुछ ऐसा दिख रहा है या फिर एक तरफा लहर एक बार फिर से देखने को मिलेगी? इसमें कोई दम नहीं है। आप भी पूरा क्षेत्र में पता लगा लीजिए, पूरा घूम लीजिए, पूरा देख लीजिए, जो अखिलेश यादव और मायावती कह रहे एकदम झूठ है। चलिए, ये तो बात होगी नेताजी से। अब कुछ और लोग जो इनके साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो लगातार इस रणनीति को यहाँ पर तय करते हैं, लगातार ये रणनीति बनाते हैं कि आज कहाँ पर जनसंपर्क करना है, आज किसके बीच जाना है, कौन सी वो समस्या है, जिन समस्याओं को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही जाती है, चर्चाएं होती है, रोड मैप तैयार होता है, कागज पर लिखा जाता है और उसके बाद जनता के बीच जाकर के पूरी तैयारी के साथ उन्हें भरोसा दिलाया जाता है कि भैया इस बार जिताओ, हम आपका विकास करेंगे। तो उन लोगों से भी बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो प्राइम टीवी पर आपका स्वागत है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये एक अहम सीट है, धार्मिक नगरी इसको भी कहा जाता है। धर्म के नाम पर अगर हम बात करें तो अयोध्या एक मुद्दा था, एक मुद्दा बनारस का था, एक मुद्दा मथुरा का था, चित्रकूट कितना अहम रखता है इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए? ये सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, उसके अलायंस में अपना दल को मिला है, पहले भी जीते हैं और फिर जीतेंगे। हमारा संगठन गांव-गांव में इतना मजबूत है कि जिस गांव में हम जाएंगे हमको 50% से ज्यादा वोट मिलने वाले हैं। इस आधार पर हम कह रहे हैं कि हमारा विधायक भी जीतेगा और हमारी सरकार भी बनेगी। और अभी तक जो भी काम हुआ है हमारी सरकार में हुआ, इसके पहले 5 साल सपा की सरकार में सड़कें बहुत ध्वस्त थी, उनको सुधारने का काम हमारी सरकार ने किया है और हमारे विधायक भी अपने आप में बहुत सक्षम व्यक्ति हैं और सरकार इनके हाथ में है, सरकार भी बनने वाली है। ये भी अभी से ही गरीबों के, दलितों की, सबकी मदद करते रहते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये विधायक बने तो यहाँ के गरीबों का, दबे कुचलों का, सामान्य वर्ग का बहुत अच्छा काम होने वाला है। ऐसा विधायक अगर हम लोगों को मिल जाता है प्रभु की कृपा से तो निश्चित रूप से समाज का भी उद्धार होने वाला है और भाजपा का तो हाथ मजबूत होगा ही। लगातार ये जो बात कही जा रही है अखिलेश यादव की तरफ से कि उनकी साइकिल की रफ्तार इतनी तेज है कि इस बार 350 के पार हम निकल जाएंगे, कितनी सच्चाई है इस बात में? दूसरी चीज, किसान नाराज, ये कहा जा रहा है कि किसान नाराज है और किसानों की नाराजगी बीजेपी को झेलनी पड़ सकती है। फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई, सेकंड फेज की होनी है, कुछ दम है इस बात? देखिए, किसान तो पूरे देश का एक था, हुआ समझौता हुआ, हमारी सरकार ने माना, लेकिन यहाँ जो सपा का प्रत्याशी है अगर उसके चरित्र और चाल उसमें जाए तो ददुआ का बेटा है। ददुआ इस पूरे इलाका में 10 जिले में कम से कम आतंक फैलाया हुआ था, उसी का सपूत, उसी के बलबूते पर ये सारे काम कर रहे हैं। उनको तो यहाँ 10% वोट में मुश्किल हो जाएगा, सजाती वोट उन्हें थोड़ा बहुत भले मिल जाए, बाकी उनका पूरा बहिष्कार है यहाँ से। तो सपा किस हिसाब से यहाँ जीत रही है और कैसे सरकार बनाएगी वो जम समझ। कुछ और लोग भी बात करेंगे हम। सर, इस जगह को मिनी चंबल भी कहा जाता है, अगर अपराध की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा सरकार है उन्होंने क्राइम पर कितना कंट्रोल किया, पुलिसिंग कितनी बेस्ट हुई, कितनी बेहतर हुई? और अहम चीज ये है कि लगातार जिस बात को कहा जा रहा है कि जो एनसीआर जो क्राइम रिपोर्ट है, एनसीआर की जो रिपोर्ट है उसमें उत्तर प्रदेश में क्राइम सबसे ज्यादा है, क्या इन बातों में कोई सच्चाई है किसी तरीके की? जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्राइम बढ़ा है, लगातार ये कहा जा रहा है कि पुलिस कंट्रोल में नहीं है। विपक्ष को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि एक तरफ तो ये कहता है कि यहाँ पे क्राइम बढ़ा है, दूसरी तरफ यहाँ प्रत्याशी किसको दे रहे हैं आप? उस प्रत्याशी का इतिहास क्या है, उस प्रत्याशी के और उसके फोरफादर्स ने किया क्या है? तो आप उसको एक तरफ तो बढ़ावा दे रहे हैं उनको प्रत्याशी बनाकर और दूसरी तरफ सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष बिल्कुल निरर्थक और निराधार बातें कह रहा है। किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की जो व्यवस्था इस सरकार में हुई है इसके पहले कभी भी नहीं थी, और स्पेशली समाजवादी पार्टी की रिजिम में तो कभी नहीं थी, और वो उसको बिगाड़ने का प्रयास स्वयं कर रहे हैं। रही बात, अभी आपने भाई साहब से एक बात पूछी कि साइकिल की रफ्तार तेज बढ़ेगी, साइकिल की रफ्तार तो पिछले अखिलेश सरकार के 5 साल के कार्यकाल ही बता देगी।
कि कितनी रफ्तार से चलेगी और वो रिजल्ट आ जाएगा 10 मार्च को। क्या लगता है इस बार क्या नतीजे होंगे, क्या समीकरण होगा उत्तर प्रदेश का और इस विधानसभा सीट में किस तरह से दमखम दिखा रहे हैं? इस विधानसभा में हमारे माननीय विधायक जी बनने जा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। तो लगातार लोगों की तरफ से यहाँ पर जो इनके साथ बैठे हुए हैं द्विवेदी जी के साथ, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इस बार इस विधानसभा में बेहतर नतीजा आने वाला है और एक बार फिर से यहाँ पर बीजेपी, क्योंकि पहले इसके 2017 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी जीत कर आए थे, इस बार यहाँ से बीजेपी गठबंधन के प्रत्याशी अविनाश चंद द्विवेदी जी जीत कर आएंगे। भाई साहब, हाँ, मैं आपसे लास्ट सवाल पूछना चाह रहा हूँ, किसान, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप भी कहीं ना कहीं खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। इस बात को कहा जा रहा है कि किसान नाराज है और उसका नुकसान जो होगा वो बीजेपी को होगा, यहाँ पर भी कई सारे किसान हैं, क्या ऐसा लग रहा है आप लोग किसानों के बीच जा रहे हैं तो क्या समर्थन मिल रहा है या कोई नाराज? भाई साहब, किसान इतना खुश है कि किसान को बोने के लिए और यूरिया डीएपी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, आज हमारी सरकार तत्काल उनको 6,000 रुपया उनके खाते में डाल रही है जो समय समय पर उनके बुवाई के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ। हमारी सरकार किसानों के लिए पेंशन योजना ला रही है, हमारी बीमा योजना ला रही है, हमारी सरकार ने गैस 1,00,000 रुपया किसानों का माफ किया, हमारी सरकार ने गैस सिलेंडर दिया, हमारी सरकार ने किसानों को मुफ्त बिजली कनेक्शन लगवाया, हमारी सरकार ने 5,00,000 रुपये का स्मार्ट कार्ड बनवाया, हमारी सरकार ने लोगों को 30-30, 40-40, 50-50, 100-100 वो पाइपलाइन फ्री दिया, हमारी सरकार ने किसान के चारों तरफ बहुत खुश है, इतना खुश है कि आज जो जब हमारे प्रत्याशी कल हमारे साथ गए थे, हम भी गुरहाटा गांव करौंदी 200 गांव का दौरा किया, कम से कम 500 लोगों की भीड़ जो है चारों तरफ जमा हो जाती है। दूसरी बात, एक निवेदन और करना चाहते हैं कि दस ददुआ का लड़का यादव जात जो उनका बेस वोट है आज हमारे साथ काफी खिसक रहा, ददुआ इसी प्रत्याशी के पिता ने किया था, आज उसका बदला लेने के लिए पूरा यादव पूरा मत के माध्यम से बदला लेने के लिए तैयार है। यही रामू का पुरवा का कांड हुआ, इसी ददुआ ने 13 लोगों को अपने सुजाती लोगों का गला काट करके एक लाइन में खड़ा करके गोली से भूना था, इसको कोई वोट देने वाला नहीं है और सपा सरकार 100 सीट नहीं प्रदेश में पाएगी, मैं आपको ये वचन देता हूँ। इस विधानसभा की जो लड़ाई है काफी अहम है, क्योंकि चित्रकूट धाम या चित्रकूट की बात करी जाए तो धार्मिक नगरी है, जहाँ पर लगातार उत्तर प्रदेश के चुनाव में अयोध्या का मुद्दा गरम है क्योंकि अयोध्या मंदिर का निर्माण हुआ है, वाराणसी कॉरिडोर की बात करी जा रही है क्योंकि वहां पर भी बीजेपी सरकार ने बेहतर काम करके उसे जो एक नया रूप दिया है वो अपने में अद्भुत है, और इसके अलावा मथुरा का मुद्दा। लेकिन चित्रकूट की बात की जाए तो यहां पर अगर विकास बेहतर तरीके से होगा आने वाले दिनों में तो जाहिर सी बात है यहां की जो जनता है वो काफी खुश नजर आएगी, जो कि अभी भी नजर आ रही है क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि वो कहीं ना कहीं सरकार के काम से काफी खुश है और इस विधानसभा में जो प्रत्याशी है अविनाश चंद्र द्विवेदी उनसे भी काफी खुश। तो चुनावी समय है और जनता का समर्थन पाने के लिए सभी लोग जुटे हुए हैं, विकास के कई दावे वादे भी कर रहे हैं और हमारे संवाददाता ने आज चित्रकूट पहुंचकर मानिकपुर विधानसभा से अपना दल प्रत्याशी अविनाश चंद्र द्विवेदी से बात करी और साथ ही उनके समर्थकों से भी जाना कि कितना विकास किया जा रहा है उनकी विधानसभा में और क्या कुछ मुद्दे लेकर अविनाश चंद्र द्विवेदी मैदान में उतरे हैं। फिलहाल ऐसे कई दावे वादे तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन परिणाम तो 10 मार्च को ही सामने आएगा। लेकिन ऐसी हर चुनावी अपडेट के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।